हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो जैसा कि देख सकते हैं, सुबह हो गई है और ये हर मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, खासकर ये बच्चे। देख लो मैं कैसे खिला रही हूँ, मैं खिला रही हूँ और ये पैर से मारे जा रही है। तो ये डेली का है, एक दो लात पड़ते रहते हैं इससे मुझे। लो 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 लो, बच्चे बस किसी तरह खा ले, हमारी यही सोच रहती है। लो लो। तो मैं यहाँ कैसे भी करके जल्दी जल्दी खिला रही हूँ इसको। और लास्ट में तो मेरे जो बच्चे हैं दोनों छोड़ ही देते हैं, तो वो जो है खाना ना मुझे ही खाना पड़ता है। तो ये भी लास्ट में 2 चम्मच छोड़ ही देगी। मैंने ये ना वो ग्राइंड करके इसमें दूध रोटी दिया है इसे खाने को, क्योंकि अभी तक ये फूड से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी, सरल की खा रही थी। तो मैं आज मैं इसे दूध रोटी दिया और बीच बीच में मैं खुद भी डांस करती हूँ और इसे भी डांस करवाती हूँ, देख सकते हैं आप। और ये रहा लास्ट वाला बाइट, मैं खुद ही खा लिया मैंने। तो कैसे हैं सब? देखिए शाम हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है बैकग्राउंड में, है ना। यहाँ ठंड शुरू हो गई थी, कल भूकंप आया था पता है, रात के लगभग 11:30-12 बजे, और बहुत ज़्यादा महसूस हुआ रात में। और बताइए सब कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे। ठंड स्टार्ट हो गई है, स्किन में अजीब सा वो खरखर टाइप का हो गया है, पता नहीं, ये ठंड शुरू होते ही ना बहुत कुछ होने लगता है। तो आज मैं अपना बाल भी झाड़ा वाला नहीं है, कुछ भी मन नहीं करता है करने को, सारा टाइम बीत जाए बच्चों को लेते लेते, जब उससे उठो तो थक जाती हूँ। अभी काम ज़्यादा है, अभी छत पे चलते हैं हम लोग, है ना, कपड़े लेने। अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, देखो टाइम ज़रा 6 बजने वाले। तो पहले मैं दीप दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग छत पे चलते हैं। ओके ओके, ये देखिए मंदिर है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, दीप दिखा के आ रही हूँ। वैसे तो हर 2 मिनट पे यहाँ मतलब छत दिखते ही रहता, छत पे जाओ तो एरोप्लेन। तो मैं जब गई थी ना शाम के टाइम में तो दिख रहे थे, तो मैंने उसे सूट भी कर लिया, फ्लाइट जा रही थी तो। और ये देखिए ढेर सारे कपड़े जो सारे हैंगिंग है, तो मैं सबको उतार रही हूँ एक एक करके, और फिर मैंने उतार कर नीचे आ गई हूँ। और रात का डिनर बनाना था, तो उसके लिए मैंने मानसी और उसके पापा के लिए स्पेशली बनाया है चिल्ली पनीर। तो मैंने चिल्ली पनीर के लिए ये सब तैयार किया, मसाला, ये ग्रेवी के लिए, ये हरे वेजिटेबल हैं, और सबको मैं इसी में पैन में फ्राई कर ले रही हूँ। ये छोटे से कढ़ाई जो है ना, बस हाथ भर का एक कटोरी, उसी में मैंने ये चिल्ली पनीर बनाई है। और रश्मी फ्रेंड ऐसा बोल रहे थे, मानसी को भी पसंद आया, और मानसी के पापा भी बता रहे थे बहुत अच्छा बना है। बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने, हरा मिर्च दो दिया था, 2-4 लहसुन, और यहाँ पे मसाला था, उसी का घोल तैयार करके मैंने वही डाला है, शिमला मिर्च, आधा टमाटर, 1 प्याज, इसी तरीके से मैंने डाला है। और यहाँ रहा जीरा राइस, इसी के साथ मैंने इनको दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि ये अगर बटर रोटी नान रोटी के साथ खाया जाता तो और अच्छा लगता है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो यही मेरी वीडियो आज मैं बहुत कम छोटा सा शूट कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्यार दीजिएगा ढेर सारा। थैंक यू सो मच।